हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। आज की जो क्लास है उसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जो है एटम्स। ठीक है, अभी जो एटम्स है केमिकल रिएक्शंस में कैसे यूज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एटम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इसमें है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जो मास है उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो मास होता है यानी कि जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उनको क्रिएट किया सकते हैं। ठीक है, और जो टोटल मास है प्रोडक्ट्स का दैट इज सेम एज दैट ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स लिए गए हैं, जैसे इमेज में देख सकते हैं जो रिएक्टेंट्स लिए गए हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इनके टोटल इन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड ले लेते हैं। ठीक है, वुड को बर्न करेंगे इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसको वापस जो उसके एशेज होते हैं, राख होती है, उसको वापस वुड में चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 kg वुड को बर्न किया गया। अब वुड को बर्न करने के बाद क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं? स्मोक, सूट, एशेज। ठीक है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स का जो सम होगा दैट विल ऑल्सो बी 20 kg, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं या जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका जो मास है केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका जो मास है दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एंड दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन वॉज प्रपोज बाय एंटनी लॉरेंट लेवाइसिएर। ठीक है, इन द ईयर 1785 में। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि इसमें जो मास लिया है जैसे वुड लिया है इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, और इनका जो मास है वो सेम होगा, जो प्रोडक्ट्स का मास है और जो रिएक्टेंट्स का मास है दोनों का मास जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, ये जो लॉ है वो किसने स्टेट किया था? जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने ये लॉ स्टेट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स को कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स्ड होता है बाय देयर मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर को अगर किसी भी सोर्स में प्रिपेयर किया जाए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास दैट विल बी 1:8, यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम्स क्या होंगे? ऑक्सीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फिक्स्ड, इसको 1:9 नहीं ले सकते या 1:7 नहीं हो सकता, 1:8 इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये रेशियो आई कैसे है? ठीक है, इसमें सबसे पहले वाटर की जो केमिकल इक्वेशन है दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री में जो देखना होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास पढ़ा था जिसमें क्या था कि जो रिएक्टेंट्स लेते हैं उनका जो मास है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स है उनका मास हमेशा ही उसके प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए, होता है बेसिकली, दैट्स अ लॉ। ठीक है, तो इसी चीज इसी बेसिस पे हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे भी 2 थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 था, यहाँ पे ट्वाइस, तो इसलिए यहाँ पे 2 रखा गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक
ठीक है। अब इनके 1:8 रेशियो कैसे आई है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, हाइड्रोजन के हर मॉलिक्यूल का वेट इज 1 ग्राम, तो 4 × 1 = 4। ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का वेट इज 16 ग्राम्स, तो 16 × 2 = 32। अगर इनकी रेशियो निकाली जाए 4/32, दैट विल बी 1:8। तो दिस रेशियो इज फिक्स्ड बाय देयर मास। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। इसी के बेसिस पे जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि सबसे पहले मैटर जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जिन एटम्स को अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो सारा जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, और ये जो एटम्स हैं, अगर कोई सब्सटेंस सेम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर सेम है, ठीक है, तो उसके अंदर के जो एटम्स होंगे ये साइज में, शेप में, मास में हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ का जो एलिमेंट जो है वो सेम सब्सटेंस से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम ले लेते हैं कि सोडियम का एटम है, तो सोडियम के एटम्स के जो जितने भी इंडिविजुअल इसके अंदर हैं वो उनका शेप साइज जो है वो सेम होंगे। ठीक है, अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स को कंपेयर किया जाए, अगर यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है, तो इनके जो एटम्स होंगे, पोटेशियम के जो एटम्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इसके थर्ड थ्योरी में क्या है कि जो एटम है डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो उनके मास में, साइज में, शेप में हमेशा डिफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। इसका मतलब है कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड होल नंबर में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम 16 ग्राम्स का, और जो हाइड्रोजन है उसके टू एटम्स होते हैं, ठीक है, इट्स H2O, वाटर के 2 एंड ऑक्सीजन के 1। इसका जो मास है ये 18 मास यूनिट्स जो है दैट इज फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में टू फॉर्म देयर कंपाउंड एटम्स। लास्ट इसके जो एटम्स हैं उनको ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही इनको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल, उनको कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, कि जितने रिएक्टेंट्स का मास होता है उतने ही उनके प्रोडक्ट्स का मास होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन यानी कि उसके जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि उनके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो फिक्स्ड हैं, तो ये भी एक्सप्लेन हुआ है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, यस, कि उनके अंदर का जो मास है, जैसे वाटर का फिक्स प्रोपोर्शन था 1:8, वो एक फिक्स रेशियो है। ठीक है, तो ये वाला लॉ भी जो है डाल्टन एटॉमिक में थ्योरी में, सॉरी, जो वो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, इसका ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी कि एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए गए हैं। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है, अब है एटम्स। एटम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, और एटम का जो साइज है वो उसके रेडियस से इंडिकेट किया जाता है, जिसे बोलते हैं एटम रेडियस। ठीक है, जैसे ये एटम है, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये एटम का साइज जो है वो कितना है, देन दिस इज नोन एज एटम रेडियस। और इस एटम एटॉमिक रेडियस को मेजर किस में किया जाता है, नैनोमीटर में, दैट्स द यूनिट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एटम्स, सॉरी, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, अब हर एक एलिमेंट को बाय देयर नेम बार बार यूज़ करना इट्स नॉट पॉसिबल, और केमिकल रिएक्शंस भी जब हम करते हैं तो हर एलिमेंट का पूरा पूरा नाम लिखना इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए उनके जो हैं वो सिंबल्स बनाए गए हैं एलिमेंट्स के, और ये सिंबल कैसे बनाए गए हैं, मोस्टली जो एलिमेंट का फर्स्ट नेम और कोई भी एक लेटर जो आगे उसके नेम में है उसको लेके उसका सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन में सी फर्स्ट एंड कोई भी एक नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई भी एक लेटर जो है उसके नेम में जो आ रहा है बाद में उसको लिया जाता है, जैसे इससे क्लोरीन का सी एल, जिंक इज जेड एन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की लिस्ट है विद देयर सिंबल नेम, जैसे हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच ई, लिथियम का एल आई, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो उनके लैटिन नेम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, उनके लैटिन नेम से उनको डिराइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का जो लैटिन नेम इज नेट्रियम, दैट इज नेट्रियम। ठीक है, जिससे उसके एन ए, ठीक है, सोडियम के एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लैटिन नेम से उसको डिराइव किया गया है। पोटेशियम का इज केलियम, दैट्स लैटिन नेम फॉर पोटेशियम, इसलिए उसका जो सिंबल है वो उसके लैटिन नेम के से डिनोट किया जाता है। अब है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एटम्स को अगर केमिकली बॉन्ड किया जाए, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओ टू हो गया, इसमें सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन के दो एटम्स को कंबाइन करके इसको ओ टू की फॉर्म में बनाया गया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ओ टू की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, एटम्स में बेसिकली सिंगल यूनिट होता है, यानी कि उसमें एक सिंगल पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स को, इन्हीं एटम्स को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर, ठीक है, इसमें दो एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, वाटर का है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है उस सब्सटेंस की, जैसे इसमें एग्जांपल है वाटर का ही। ठीक है, इसके जो एटम्स हैं इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है, हाइड्रोजन की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऑक्सीजन की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और इसके जो एटम्स हैं ये अपने सब्सटेंस की पूरी जो है वो प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो उन्हें भी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिकली द सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी कि एक एलिमेंट में जो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनको केमिकली कंबाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे एलिमेंट में है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के दोनों के ही हाइड्रोजन एटम्स को लिया गया है H2 बनाने के लिए, सेम ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को लिया गया है, सॉरी एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम्स को लिया गया है ऑक्सीजन का एलिमेंट बनाने के लिए, सेम क्लोरीन में भी दोनों एटम्स जो क्लोरीन के हैं वो सेम हैं, तो दीज कॉन्स्टिट्यूट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बेसिकली क्या हो गया कि उनमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे H2O इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं एंड वन एटम इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, HCl इसमें वन एटम इज ऑफ हाइड्रोजन एंड वन इज ऑफ क्लोरीन, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो ये किसके बनाते हैं, कंपाउंड्स के, और जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है कि मॉलिक्यूल ऑफ जो हाइड्रोजन है उसमें इट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टूगेदर, और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, H2, ऑक्सीजन को O2, Cl इज Cl2, क्लोरीन इज Cl2। अब आता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज बेसिकली व्हाट, एटॉमिसिटी इज कि जो एक मॉलिक्यूल है, चाहे वो मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का हो या वो कंपाउंड का हो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है उसकी टू एटॉमिसिटी है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो दो एटम से मिलके O2 की फॉर्म में बनता है, और ओजोन जो है दैट इज O3, यानी कि इसमें थ्री एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स
ओजोन, ठीक है, यानी कि ओजोन में 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो दिस इज नोन एज एटोमिसिटी, यानी कि उस एलिमेंट या कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब एटोमिसिटी में क्या आता है कि अगर कोई किसी के एटोमिसिटी 1 है, जैसे हीलियम है वो एच ई की फॉर्म में है, तो उसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो मीन्स 1। अगर उसमें 2 एटम्स हैं उसे डाई एटॉमिक बोला जाता है, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है, ठीक है, 4 एटम्स हैं तो दीज इट इज नोन एज टेट्रा एटॉमिक। मोर देन 4 या मोर देन 2 की फॉर्म में इन सबको पॉलीएटॉमिक बोला जाता है, इनको इकट्ठे एक साथ पॉलीएटॉमिक, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि उनके जो एटम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, दे फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, इसमें 1 एटम है हाइड्रोजन का एंड 1 एटम इज ऑफ क्लोरीन, इनके जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स या क्लोरीन के 2 एटम्स नहीं कंबाइन किए जा सकते, ठीक है। इसमें जो एटम्स हैं वो उनके जो प्रोपोर्शन है दैट इज फिक्स्ड, और इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे H इज फॉर हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन के एटम्स है, दोनों को केमिकली कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है। तो दीज फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, O, O2, O3 या इन सब में जो है वो सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। द आंसर इज O3। अब सेम नहीं हो सकते, अब सिंगल मिस मीन्स इसमें 1 है, O2 का मींस इसमें 2 एटम्स है, O3 मींस ओजोन यानी कि इसमें 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो इनमें सेम तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ एटम्स किसमें ऑक्सीजन एटम, दैट इज ओजोन। लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का क्या है, दैट इज केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले बेसिकली क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि सारे एलिमेंट्स को पूरे इंडिविजुअल उनका नाम लिखना इज नॉट पॉसिबल, तो उनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं सिंबल्स के थ्रू उनका केमिकल जो है वो फॉर्मूला बनता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन किए जाते हैं तो दे फॉर्म दी केमिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड बनता है, और इसी कंपाउंड को जब एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट फॉर्म्स केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए, जैसे एक सॉल्ट है NaCl, सुक्रोज को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें 6 एटम्स है कार्बन के, 22 हाइड्रोजन के, 11 ऑक्सीजन के। ऐसे विनेगर और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, तो ये सब बेसिकली क्या है, इनके केमिकल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोला जाता है। इससे हमें ये भी एक्चुअली इस फॉर्मूले से ये भी पता चलता है कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन 12, यानी कि इसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोला जाता है। और ये फॉर्मूला एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स का ये फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, यानी कि उस कॉम्पोजिशन में कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जब रिप्रेजेंट किया जाता है दीज फॉर्म्स फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NH3 इज फॉर अमोनिया, ठीक है, ये जो केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड अमोनिया का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे N है, N सब इट शोज या इट इंडिकेट्स कि इसमें जो नाइट्रोजन है उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया गया है और जो हाइड्रोजन है उसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, दैट इज अमोनिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कौन से एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ
कंपाउंड्स। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज, कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, सॉरी एक एलिमेंट या कंपाउंड में कितने उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला, सिंबल्स, एटॉमिसिटी या कंपाउंड्स। इट इज नोन एज सी एटॉमिसिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे पढ़ा था, ओ में वन होगा, ओ टू में टू एटम्स, ओ थ्री में थ्री एटम्स, तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूल्स में, दीज आर नोन एज एटॉमिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टूगेदर इज कॉल्ड, मॉलिक्यूल, आयन, सॉल्ट और इट्स एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब केमिकली कंबाइन किया जाता है तो उसे क्या बनाते हैं, ए मॉलिक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस वॉज गिवन बाय, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसको किसने प्रपोज किया था, जॉन डॉल्टन, हम्फ्री डेवी, प्राउस्ट और माइकल फ्राडे। इट वॉज गिवन बाय सी जोसेफ प्राउस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।